हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आलोक चौधरी। वेलकम टू क्वालिटी म्यूजिक बिफोर यू चैनल। भाई लोग, आज हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है। आज हम लोग लाइट का लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग लाइट का डेफिनेशन जानेंगे, लाइट क्या है वो जानेंगे, ठीक है, और लाइट लाइट के सोर्सेज जानेंगे, ठीक है, और कुछ पॉइंट्स जानेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो लाइट को समझने से पहले एक बात हम लोग जानते हैं कि ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स जो है ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है। ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द लाइट। ऑप्टिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें कि हम लोग स्टडी ऑफ लाइट करते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लाइट क्या है? लाइट जो है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग को दिख रहा है, जैसे आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर लाइट नहीं हो तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। अगर इसे प्रूव करना है तो एक डार्क रूम में चले जाइए, बल्ब बंद कर दीजिए, देखिए आपको कुछ नहीं दिखेगा। जैसे ही बल्ब का स्विच ऑन करेंगे तो रूम विजिबल हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सोर्सेज ऑफ लाइट अब हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम, अगर दिन की बात करें तो सनलाइट, हम लोग सूरज की रोशनी से सब कुछ को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हुआ। सनलाइट क्या हुआ? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हुआ। और रात के समय, ड्यूरिंग नाइट टाइम, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइट की डिमांड होगी, ठीक है, इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने लाइट, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट बनाया, ठीक है। इस आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट में हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट। ट्यूब लाइट का दूसरा नाम है फ्लोरिसेंट ट्यूब और कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प, CFL। समझ गए? अभी ये लाइट बनना बंद हो गया है, अभी हम लोग LED बल्ब यूज़ करते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड्स। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लाइट जो है मोस्ट सेंसिटिव होता है येलो लाइट में, इसलिए आप लोग देखते होंगे कि डायरेक्शन दिखाने के लिए रोड सब पे येलो लाइट यूज किया जाता है, ठीक है, रोड सब पे, हाईवे सब पे। और ड्यू टू दिस रीज़न, यही रीज़न के कारण व्हीकल्स को जो है येलो कलर से देखते होंगे दिखा, उस पे सटा होता है। और लाइट भी क्या होता है? येलो कलर होता है। और रोड लाइट्स भी, ये सोडियम लाइट्स यूज़ किया जाता है रोड लाइट में। और लीस्ट सेंसिटिव होता है रेड और वायलेट कलर, ये लीस्ट सेंसिटिव होता है लाइट का। गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। अभी जितना मैंने बताया ये लेक्चर 1 में इतना पढ़ना था। अब आगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग लेक्चर 2 में आगे, इससे आगे। अगर किन्हीं को एक बार समझ नहीं आया तो वीडियो को वापस से चला ले, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में आप इन्फॉर्म करें, तो जल्द से जल्द मैं आपका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 में, और बहुत सारे सेशंस लेके आएंगे, लाइट को अच्छे तरह से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लास्टली आई वांट टू से दैट थैंक्स टू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड बी विद अस।